हेलो जी। कोई भी भारतीय त्यौहार हो, किसी भी तरह की पूजा हो, या फिर घर में किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करना हो, बेसन के बिना तो वो अधूरी ही रह जाती है। आप बेसन की बर्फी या लड्डू में से कुछ न कुछ ज़रूर ट्राई करते होंगे। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ 10 मिनट में बनने वाले ये बढ़िया दानेदार लड्डू, जिसे आप मार्केट से खरीद के लाए हुए लड्डुओं से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये होते हैं बिल्कुल शुद्ध और बने हुए घर में हाइजेनिक। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। 2 कटोरी मैंने बेसन लिया है। इसी कटोरी से मैं सारे मेजरमेंट्स करूंगी। गैस को मैंने बहुत कम फ्लेम पे रखा है और मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ। कढ़ाई में बेसन डालने के बाद आपको लगातार चलाना है, क्योंकि हमने इसमें घी ऐड नहीं किया है, तो इसे लगातार चलाते रहिए। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब सूजी। इससे टेक्सचर थोड़ा सा दानेदार हो जाता है। सूजी ज़्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो लड्डू सख्त हो जाते हैं। 1 चम्मच सूजी 2 कटोरी बेसन के लिए काफ़ी होती है। ये देखिए, जब हमने बेसन डाला था तो ये फ्लफी था, अब ये थोड़ा सा बंदा बंदा सा दिख रहा है। बस इस स्टेज पर आपको डालना है इसमें घी। उसी कटोरी से मैंने घी लिया है, लेकिन थोड़ा सा घी मैं बचा लेती हूँ। इतने में ही इसे भून कर देखते हैं। लगातार चलाइए इसे और गुठलियों को इस तरह दबाते हुए फोड़ते जाइए, और इसमें कोई भी गांठ ना पड़े इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसे पीसते रहे, इसी तरह टेक्सचर अलग करते हुए धीरे धीरे दबाते हुए पीसते रहिए, ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। ये देखिए, गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा है। 5 से 7 मिनट बाद ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होने लगा है, और इस वक्त पे बेसन ने घी को भी रिलीज़ कर दिया है। 1 मिनट हम उसे और भूनेंगे। लगातार देखिए, चलाते हुए मैं इसे भून रही हूँ, और ये अब बंधने से लगा है कुछ। इसने घी छोड़ दिया और थोड़ा सा टो जैसा हो रहा है। थोड़ा सा बेसन का कलर मैंने चेंज किया है, क्योंकि मुझे डार्क से लड्डू अच्छे लगते हैं। अगर आपको फीके लड्डू पसंद है, रंग वाले फीके, तो आप फीका कलर भी इसका रख सकते हैं। अब टाइम है ट्रिक का। मैंने इसमें डाला है 2 बड़े चम्मच के करीब दूध। इससे आपका जो बेसन है वो दानेदार हो जाता है, जैसे मोहन थाल होती है ना, बिल्कुल वैसा ही। ये देखिए, दूध डालने के बाद इसे चला लेना है और फिर गैस को बंद कर देना है। अभी ये मिक्सचर बहुत गर्म है, मैंने इसे नीचे उतार लिया है, लेकिन मैं अभी भी इसे चला रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है तो ये नीचे लग सकता है। गुठलियाँ फोड़ते हुए इस तरह से इसे दबाते हुए अभी भी कढ़ाई में हिलाते रहें। ये देखिए कितने दानेदार हैं ये। इस तरह के लड्डू बनेंगे तो वो बिल्कुल दानेदार रहते हैं। इसी तरह का टेक्सचर हमें लड्डुओं के लिए चाहिए। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब डालेंगे इसमें चीनी। उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, और इसमें मैं डालूंगी चीनी के साथ 4 छोटी इलायची, ताकि बेसन में इलायची की खुशबू अच्छी तरह आए। पीस लेते हैं इसे। चीनी को मैंने पीस लिया है, और अब इस मिक्सचर में चीनी को ऐड कर रही हूँ। याद रखें, आप मिक्सचर में चीनी जब ऐड करें तो ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ये गर्म हुआ, गुनगुना हुआ तो चलेगा, लेकिन अगर ये गर्म हुआ ना, तो चीनी मेल्ट हो जाएगी और लड्डू नहीं बंधेंगे, आपके पिघले पिघले से लगेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल लड्डू अच्छे से बंध रहा है। ये देखिए, है ना बिल्कुल टेक्सचर अलग। ये बहुत दानेदार है, बहुत अच्छी खुशबू दे रहा है, और बिल्कुल इस लड्डू को तो आप सोच भी नहीं सकते कि मार्केट वाले लड्डुओं को तो ये 0 ही मार्क्स दे रहे हैं। ये देखिए, लड्डू मैंने सारे बांध लिए हैं। दिखाती हूँ आपको इसका टेक्सचर। ये देखिए कितने ज़्यादा माउथ मेल्टिंग लड्डू हैं, बिल्कुल दानेदार हैं। इस तरह की रेसिपी को सिर्फ 10 से 12 मिनट लगते हैं गाइस, और आप इस बार हर फेस्टिवल, हर दिवाली पे, हर किसी त्यौहार पे इस लड्डू को ट्राई कीजिए, और कमेंट में लिखिए कि कैसे बने हैं। थैंक यू।